तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्पर्मेटोगोनियम से फोर स्पर्मेटिक्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, अपना टॉपिक आज का जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर उस क्लास में हम लोगों ने देखा था ना कि स्पर्मेटोगोनियम से जो स्पर्मेटिक्स बना था वो स्पर्मेटिक्स तो राउंड सर्कुलर था, हेवी था, सेल ऑर्गेनिल्स थे, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म और अदर सेल ऑर्गेनिल्स यहाँ थे स्पर्मेटिक्स। तो यह चूंकि स्पर्मेटिक्स हेवी है, यह नॉन मोटाइल है, तो अब इसमें मोटिलिटी लाने के लिए, इसको मोटाइल बनाने के लिए इसमें कुछ चेंजेस देखा जाता है, जिसको हमने आपको कहा था कि उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज सिंपली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिक्स इनटू दिस स्पर्म। तो स्पर्मेटिक्स का स्पर्म में चेंज होना ही स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम लोग बात कर ले तो पार्ट्स जो है इसमें ये फोर पार्ट्स होते हैं, जिसमें है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो ये फोर पार्ट्स हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इसका जो कैसे चेंजेस होते हैं, तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस इलोंगेटेड हो जाता है और कॉन्डेंस्ड है, क्रोमेटिक मटेरियल जो है यहाँ पे। तो इस तरह से यंग न्यूक्लियस जो है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, नाउ इट इज जो राउंड था वो इलोंगेटेड हो गया। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड। और इसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग जो हम लोग देखेंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड दिस इज नेक रीजन एंड दिस इज मिडिल पीस, दिस पार्ट इज मिडिल पीस एंड दिस पार्ट इज टेल। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसको हमने क्या कह दिया, हेड, दिस पार्ट इज हेड। तो हेड रीजन में ही जो है इसका न्यूक्लियस है, ये याद रखेंगे आप। एंड दिस इज द नेक पार्ट, दिस इज नेक पार्ट। तो नेक पार्ट में जो हम देखेंगे तो इसमें टू सेंट्रियोल्स हैं। तो टुवार्ड्स द न्यूक्लियस जो सेंट्रियोल है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये याद रखेंगे। एंड अवे फ्रॉम दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल द सेंट्रियोल इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल, दिस इज कॉल्ड डिस्टल सेंट्रियोल। ये डिस्टल सेंट्रियोल से एराइज होता है एक्जियल फिलामेंट्स, और एक्जियल फिलामेंट्स जो है इसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है। आपको अभी बस याद क्या रखना बेटा कि डिस्टल सेंट्रियोल से ही एराइज होते हैं एक्जियल फिलामेंट, जो एक्जियल फिलामेंट यहाँ साइटो स्ट्रक्चर की तरह काम करते हैं, इसको सपोर्ट देने का काम करते हैं दिस एक्जियल फिलामेंट। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, बस आपको ये याद रखना है कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो जाइगोट जो फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट। उस जाइगोट में जो पहला डिवीजन होता है विद दिस हेल्प ऑफ दिस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तो मैं मुझे क्या लिखना चाहिए कि हेल्पिंग फर्स्ट जाइगोटिक डिवीजन, बस सिंपली अभी आप ये याद रखें डिवीजन। तो इसका रोल हम लोगों ने देख लिया
proximal centriole towards the nucleus and distal centriole from where this axial filament arises. साथ ही साथ इस axial filament के चारों तरफ जो है spirally इस तरह से ये arranged होते हैं mitochondria. तो ये स्पाइरली जो अरेंजमेंट है किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का. और माइटोकॉन्ड्रिया ये सीट की तरह यहाँ अरेंज होते हैं इन द मिडिल पीस एंड दे प्रोवाइड एनर्जी टू दिस स्पर्म फॉर द मूवमेंट. तो ये जो पार्ट हम लोगों ने देखा दिस पार्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट क्या कह रहा है? मिडिल पीस. तो दिस इज कॉल्ड मिडिल पीस. ये आप याद रखोगे मिडिल पीस. साथ ही साथ जो ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ अरेंज स्पाइरली दिस इज कॉल्ड नेवेनकर्न सीट. नेवेनकर्न सीट. तो आप सिंपली क्या टर्म याद रखोगे कि स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया इन द मिडिल पीस around this axial filament is known by a special term. This is called Levenkern's sheath. और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बात की ये माइटोकॉन्ड्रिया provides energy for the movement. ये एनर्जी देने का काम करता है इस स्पर्म के लिए और स्पर्म का मूवमेंट जो होता है वो उसके टेल से होता है. सो दिस पार्ट इज टेल. दिस पार्ट इज टेल. ये व्हाट दिस टेल इज डूइंग? हेल्प्स इन द मूवमेंट. हेल्प्स इन द मूवमेंट. तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेल दिस स्पर्म मूव. ये बात याद रखनी है. साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर की भी बात कर लेंगे एंड दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है जो कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ने बनाया अराउंड दिस न्यूक्लियस. तो दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए क्रोमोसोम. दिस इज कॉल्ड ए क्रोमोसोम. जिस एक्रोसोम को आप बस याद रखेंगे किसको किसने बनाया? गॉल्जी बॉडी के मॉडिफिकेशन से ही बना. गॉल्जी बॉडीज ने एक्रोसोम का फॉर्मेशन किया. एक्चुअली ये मॉडिफाइड लाइजोसोम्स है. क्यों? क्योंकि इसके पास लाइटिंग एंजाइम्स है. लाइटिंग एंजाइम्स. और नाइन्थ में आपने पढ़ा था ना कि लाइजोसोम्स में हाइड्रोलेजेस होते हैं. तो इस एक्रोसोम में लाइटिंग एंजाइम्स होते हैं. जो लाइटिंग एंजाइम्स क्या करेगा? लाइसिस करेगा यानी ब्रेक करेगा किसको? मेम्ब्रेन ऑफ ओवम को. मेम्ब्रेन ऑफ ओवम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के समय जब स्पर्म ओवम के पास जाएगा तो ओवम के पास मेम्ब्रेनस कवरिंग है लाइक विटेलाइन मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा. तो ये सब आपको मेम्ब्रेन जब फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगी मैं. तो उसको लाइसिस करने का काम करता है ये लाइटिंग एंजाइम्स एंड इट इज फिल्ड इन अ कैप लाइक स्ट्रक्चर अबव दिस न्यूक्लियस. दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम. तो ये याद रखोगे. साथ ही साथ तो ये हम लोगों ने देखा और एक एडिशनल मेम्ब्रेन भी होता है. एडिशनल मेम्ब्रेन में बोलूं तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस हेड. पोस्टीरियर पार्ट ऑफ दिस हेड से यानी कि न्यूक्लियस का जो पोस्टीरियर पार्ट है तो यहां से अगर मैं बात करूं इस तरह से ये एडिशनल जो मैम्ब्रेनस कवरिंग है तो ये दिस इज कॉल्ड मैनचिट. ये याद रखेंगे आप. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड मैनचिट.
और दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, और जो एक्स्ट्रा कवरिंग हम लोग इंटीरियर पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस देखेंगे, तो मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊंगी। ये आपका दिस एडिशनल कवरिंग इज कॉल्ड गेलिया, दिस एडिशनल कवरिंग इज कॉल्ड गेलिया, बस गेलिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, जिसमें चार पार्ट्स हम लोगों ने देखा, फोर पार्ट्स, हेड, द फर्स्ट वन इज हेड। तो आपसे तो पूछे वेयर इज द न्यूक्लियस इन विच पार्ट, इट इज इन द हेड। वेयर इज द माइटोकॉन्ड्रिया इन विच पार्ट, इट इज इन द मिडिल पीस। वेयर इज द सेंट्रियोल इन द नेक रीजन, थर्ड वन इज मिडिल पीस एंड दिस लास्ट वन इज टेल। इसी के हेल्प से ये मूव करता है, और मैं आपको बताऊं कि ऐसे मूवमेंट को हम लोग लैसिंग मूवमेंट, बस याद रखना कि जो मूवमेंट है इस फॉर्म का इसके टेल के द्वारा, ऐसे मूवमेंट को हम लोग लैसिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ये और साथ ही साथ हमने सेंट्रियोल भी पढ़ लिया, आप सेंट्रियोल सेल डिवीजन में पढ़े भी थे नाइन्थ में, कि ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो डिजिटल सेंट्रियोल ने क्या बना दिया, एक्सियल फिलामेंट, ये आप याद रखेंगे। दिस इज द एक्सियल फिलामेंट, मैं इधर लिख देती हूँ, दिस इज द एक्सियल फिलामेंट अराइजेस फ्रॉम दिस डिजिटल सेंट्रियोल। तो हम लोगों ने देखा था ना कि चार जो स्पर्माटिड्स बने थे, तो स्पर्म और उससे जो स्पर्म्स बनेंगे अब, तो उसका कैसा हो जाएगा, एक्स और वाई, तो 50% जो बने थे उनमें कैसा क्रोमोसोम्स था, एक्स एक्स और ये वाई, ये तो मैं पिछले वीडियो में भी बताई थी, और ये वाई, तो 50% जो है ये एक्स एक्स गाइनो स्पर्म्स एंड 50% जो है ये एंड्रो स्पर्म्स, वाई के साथ है ना, एंड्रो स्पर्म्स। तो गैमेट्स आर हैप्लॉयड विथ हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, तो 22 + y 23 22 + y 23 and 22 + x x, तो ऐसे आप याद रखेंगे। एंड दिस एक्स फॉर दिस फीमेल, तो गाइनो स्पर्म्स, एंड दिस इज द मैटर ऑफ चांस कि किस स्पर्म से ओवम, जिसके पास क्या है 22 + x, ठीक है। तो इट इज स्पर्म विच डिवाइड्स द सेक्स ऑफ द फीटस, तो ये याद रखेंगे हम लोग। बट इन आवर सोसाइटी फीमेल इज ब्लेम फॉर द फीमेल चाइल्ड, फॉर द गर्ल चाइल्ड। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में आप इतनी सारी बातों को याद रखें, डायग्राम बनाएं कॉपी में, उसकी प्रैक्टिस करें, और जो भी आपके डाउट्स हो आप ग्रुप में डालिए, पूछिए, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।